गोली चलाने वाला आरोपी असलम गिरफ्तार भी हो चुका है। हिंसा में गोली लगने से सब इंस्पेक्टर मेदालाल जख्मी हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने मेदालाल से बातचीत की, सुनिए आप। मेदालाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हालांकि उनके हाथ पे गोली लगी थी और उसके बाद वो अभी सुबह ही शायद अस्पताल से घर पहुंचे हैं और बड़ी मुश्किल से बात करने के लिए उनको मनाया है। मेदालाल जी, हालांकि स्थिति नहीं है बात करने लायक आपकी, लेकिन जो घटना हुई है थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपको गोली लगी, हुआ क्या था, क्या आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी, किस तरीके से सारी घटना हुई? कल हनुमान जी के शोभा यात्रा चल रही थी, पहले दो प्रोसेशन निकल चुके थे, ये तीसरा था, ख़त्म होने को जा रहा था। जब मस्जिद सी ब्लॉक के सामने पहुँचे तो वहाँ पहले से भी काफ़ी आदमी खड़े थे, लेडीज थे, बच्चे थे, फिर और शोभा यात्रा वाले जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी थे, फिर वहाँ श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मस्जिद के सामने आते ही फिर दंगा शुरू हो गया, ऊपर से पथराव शुरू हो गया, लेकिन उनको उस टाइम दूर दूर कर दिया था, अलग अलग हो गए थे, दूर दूर दोनों समझा दिया था। थाने का स्टाफ भी थे, SHO भी थे, हमारे अफसर भी थे, और काफ़ी दूर दूर हो गए, उसके बाद समझा दिया। फिर जब वहाँ से आगे बढ़ गए, जब कुशल चौक पर पहुँच गए, हनुमान जयंती वाले आगे चले गए, फिर बाद में फिर दोबारा से कुशल चौक पर आए पब्लिक सी ब्लॉक साइड से, उन्होंने फिर पथराव, बोतलें फेंकना और जो भी था, लाठी डंडे तलवार ये ले रहे थे सारे। पथराव हुआ कैसे, शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ था या कोई नारेबाजी हुई थी, हुआ क्या था? वो सी ब्लॉक जो मस्जिद के सामने पहले वहाँ नारेबाजी हुई थी, वहाँ फिर उनको पथराव हो गया था, लेकिन वहाँ फिर वापस दूर दूर हो गए थे दोनों, समझा दिए थे, दूर दूर हो गए थे, वहाँ उनका दंगा भी हुआ, झगड़ा हुआ, दूर दूर चले गए। फिर वो हनुमान जयंती वाले दूर हो गए थे, जी ब्लॉक की तरफ चले गए थे, उसके बाद में फिर वो दोबारा से फिर जो मस्जिद साइड से थे सी ब्लॉक की, उधर से फिर काफ़ी लोग आ गए थे, बच्चे भी थे, लेडीज भी थी, और ऊपर मकानों के ऊपर से भी पत्थर फेंक रहे थे, ईंट पत्थर पत्थर फेंक रहे थे ऊपर मकानों में चढ़ के। हाँ, सारे लोग थे, लेडीज थे, बच्चे थे, जो भी वो थे, और सामने से युवा नए लड़के भी थे जो सामने था। ये गोली कैसे चली, ये गोली मतलब पुलिस की तरफ से रुकने के लिए चलाई गई थी या कैसे गोली चली, गोली कहाँ से लगी? नहीं, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, वहाँ सब शांत हो गया था, पब्लिक में से गोली फायर हो रहा था, 8-10 फायर हुआ, उसमें फिर एक मेरे भी लग गए थे उसमें। आपने देखा था उसका चेहरा, देखा जिसको गोली? नहीं, उसमें भीड़ में कोई सामने नज़र नहीं आया, उसमें काफ़ी भीड़ थी सामने, क्योंकि और सब लाठी डंडे तलवार वो तो देख रहे थे, लेकिन पिस्टल वाला कोई नज़र नहीं आया था सामने। कितने राउंड गोली चली होगी आपके साथ? 8-10 राउंड गोली चली थी उस टाइम, जिस टाइम, और बाद में खुद चली होगी पता नहीं, लेकिन जब मेरे गोली लगने के बाद में फिर मैं उसमें आ गया था PCR में अपनी में, सामने मेरा स्टाफ ही लेके आ गया था। तो आपको हाथ पे गोली लगी है, तो गोली हाथ से आर पार हो गई आपकी? हाँ, आर पार हो गई थी गोली, तो जैसे हड्डी में लग के वो दिशा चेंज हो गई थी, जो इसलिए पेट में और अन्य शरीर में नहीं लगी, वो कहीं साइड चले गई गोली आर पार होने के बाद में। तो मेदालाल जी आप वहाँ पर थे, एक वीडियो ऐसा दिख रहा है जिसमें एक शख्स जो है हाथ में तलवार दिख रहा है, कुछ शख्स जो है बोतल मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आपने भी देखा, और क्या क्या वहाँ पर हो रहा था उस दौरान, थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, और तो तलवार लाठी थी, कुछ बांग्लादेशी से भाषा होती है, बंगाली से भाषा, उसमें कुछ वो नारे से लगा रहे थे उस भीड़ में, और वैसे कौन तलवारें भी निकाली गई? हाँ, तलवारें थी, जो भी थे पत्थर थे, और भी जो उनके जो मीट वीट काटने का होते हैं वो औजार थे। आपका कोई साथी कांस्टेबल था जिसको भी तलवार से हाथ पे लगाया उनके? हाँ, हमारे साथी थे कांस्टेबल सुमन, उसको भी तलवार लगी थी, पीछे भी लगी थी, हाथ में भी लगी थी उसको, और भी स्टाफ थे उनके, किसी के सिर में लग रही है, किसी के पैरों में लग रही थी, 5-6 आदमी थे जो इंजर्ड हुए थे। जब आपके यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी तो मतलब इस पर आपको अंदेशा था कि इस तरीके की कोई कुछ हो सकता है, या कोई इनपुट पहले से आया हो कि इस तरह की घटना यहाँ पर हो सकती है, अतिरिक्त पुलिस बल चाहिए, या पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई अंदेशा नहीं था, दिन में दो प्रोसेशन निकल चुके थे शांति से सभी जगह से, ये लास्ट वाला चल रहा था, ख़त्म होने वाला था थोड़ा आधा घंटे के बाद में ही, बस उसके बाद में जब मस्जिद के पास पहुँचे जब वहाँ शुरू हो गया लास्ट में, लेकिन ऐसा अंदेशा कुछ भी नहीं था किसी को भी कि ऐसे भी हो जाएगा। जब आपको गोली लगी तो उसके बाद आपने देखा कि आसपास के लोग फिर क्या शांत हो गए थे, या पुलिस ने फिर जबरन शांत कराया? शांत नहीं हुए थे वो, तो मैं तो फिर चले गया था, बाद में भी भड़कते रहे थे, कई दुकानों में या गाड़ियों में आग लगा दी थी, स्कूटी मोटरसाइकिल थी उनमें भी तोड़ फोड़ कर दी थी, लेकिन उस टाइम तो उनको समझा दूर दूर कर दिया था, वो ये है कि नहीं तो आमने सामने हो जाते तो काफ़ी नुकसान होता पब्लिक को भी, वो दोनों तरफ से ही मरते हैं आदमी तो। पूरी आपको लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया जिस तरीके लोग कह रहे हैं, या फिर अचानक से जो पत्थर है लोगों ने मारना शुरू किया, कि आपको लगता है कि लोगों ने छतों में पत्थर रखे हुए हों, या पहले से इस तरीके का प्लान रहा हो कि अगर कुछ ऐसा होता है यहाँ से कोई यात्रा निकलती है या लोग आते हैं तो उन पर इस तरह पत्थर?
हाँ छतों पे पत्थर, छतों पे तो और कौन लेके जाएगा, पहले से था नहीं था लेकिन छतों से आ रहे थे पत्थर, अब वहाँ पहले से थे या नहीं थे ये पता नहीं। आप कह रहे बोतलें भी फेंकी गई? हाँ कांच की बोतलें भी फेंकी थी, ईंट थी पत्थर थे जो सारे ईंटों के जो अड्डे होते हैं वो। आपकी ड्यूटी अक्सर वहीं उसी इलाके में रहती है? हाँ उसी थाने पोस्टिंग है मेरी जहांगीरपुरी में, कल दोनों ड्यूटी थी, प्रोसेसर में भी थी एमरजेंसी ड्यूटी भी थी दोनों काम। कितने साथी मतलब आपको चोट लगी है जो पुलिसकर्मी थे, कुछ जानकारी इसके बारे में? 5-6 आदमी थे। की स्थिति कैसी? सभी ठीक है, जो फर्स्ट एड दे के थाने से वहाँ हॉस्पिटल से आ गए थे BGRM से, मुझे रेफर कर दिया था अम्बेडकर हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से इलाज होने के बाद मैं रात को आया था, मैं 1:30-2 बजे। तो अभी अभी क्या स्थिति है आपकी, मतलब अब डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बताया था कि अभी कच्चा प्लास्टर किया है, हड्डी वहीं की वहीं है, जो वो फ्रैक्चर हुआ ना उसमें वो दोबारा वहीं के वहीं जुड़ जाएगी बाद में। ABP News आपको रखे आगे।